बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं बहुत ही इजी मखनी हांडी। तो मखनी हांडी बनाने के लिए ये देखिए, मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने ली है 1 किलो चिकन, तो उसी के हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं। आप ये देख लें, मैंने 1 टीस्पून ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने ली है सूखी मेथी, 2 बड़े चमचे पिसे हुए अदरक लहसुन के लिए हैं, 2 टमाटर हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज, 1 प्याला मैंने दही का लिया है, फिटा हुआ दही लिया है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है, और ये है क्रीम। किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं। क्रीम मैंने 1 पैकेट लिया है, इसमें मैं हसबे ज़रूरत डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। 1 चम्मच मैंने लिया है सर्विंग स्पून घी का। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चॉप की हुई प्याज। मैंने 1 अदद जो प्याज ली थी वो देखिए मैं डाल रही हूँ। इसको करना है लाइट ब्राउन। प्याज ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो गई है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन, क्योंकि चिकन को भी आप प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। प्याज को या टमाटर को पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी इस रेसिपी में। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। चिकन को आप इतना फ्राई करेंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत अच्छे से जो है चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन, ये देखिए। दो मिनट के लिए अदरक लहसुन को अच्छे से कढ़ाई में फ्राई करके हांडी में अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये सारे मसाला जार जो हमने लिए थे। इसे 1 चम्मच चलाना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले भुन रहे हैं। अब मैं कर दूँगी हांडी चूल्हे की आंच थोड़ी सी हल्की, और ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद टमाटर, 1 चम्मच चला के इसको कवर कर देना है। इस तरह से टमाटरों का पानी निकलेगा और आप हल्की आंच भी करेंगे। इस तरह से ये होगा कि टमाटर अपने ही पानी में गल जाएंगे और थोड़ी सी चिकन भी गल जाएगी। तो ये मैंने कर दिए हल्दी आंच। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, हांडी को कवर करने के 5 मिनट बाद या 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएं और ज़रूर चेक करें कि मसाला हांडी में लग तो नहीं रहा, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है। हांडी जो है जब अच्छे से गर्म हो जाती है तो फिर बहुत देर में इसका टेम्परेचर कम होता है। अगर हम चूल्हे की आंच कम कर भी दें तो एक फौरन फ़र्क नहीं पड़ता, और हांडी जो है वो गर्म ही रहती है अपने टाइम पर, जो है टाइम लेके ज़रा थोड़ी सी टेम्परेचर पर आती है जिस पर हमने चूल्हा किया है। तो देखिए मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा 1 छींटा पानी का दे दूंगी ताकि मसाला नहीं लगे नीचे, और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक के दरमियानी से भी कम आंच पर 10 मिनट तक के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है और मैं चमचा चला रही हूँ।
अब बारी आई है दही डालने की। वो फटा हुआ दही ये देखिए मैं डाल रही हूँ उसमें, और तेज़ी से चमचा चला लेना है दही डालने के बाद, ताकि दही फटे ना। अब दही का पानी खुश करने तक हम पकाएंगे। इसको मैं कवर कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, दही का पानी भी खुश्क हो गया है बिल्कुल, और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा अभी देखिए शोरबा सा आ गया है। थोड़ा सा ये और खुश्क होगा। तो अब बारी आई है क्रीम की। क्रीम मैंने हाफ पैकेट ले लिया है, आप चाहें तो फुल क्रीम भी डाल सकती हैं। जल्दी जल्दी से क्रीम को डाल के चमचा चलाना है। इस तरह से ये होता है कि अगर आप चमचा नहीं चलाते तो क्रीम फट जाती है। तो जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है गरम शोरबे में। आँच मैंने हल्की रखी हुई है हांडी की। ये देखिए ये हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी इसमें। हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से काट लिया है। अब हल्की आंच पर इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए दम लगाना है। बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस हांडी रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपकी अच्छे रिजल्ट्स आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।